फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो हमारी ब्रेक शू असेंबली होती है वो कैसे इंस्टॉल होती है या उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसका प्रॉपर मैकेनिज़्म क्या है ब्रेक का, वो आज हम इस वीडियो में बात करते हैं। ये जो आपको सामने दिख रहा है ये हमारा पीछे का व्हील है, यहीं पे हमारी ब्रेक शू लगती है। तो आज हम इस वीडियो में प्रॉपर बात करेंगे कि ब्रेक शू को कैसे फिटमेंट किया जाता है और पीछे के ब्रेक शू असेंबली में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले आपको ये दिख रहा होगा, ये वायर दिख रहा होगा, ये हमारी हैंड ब्रेक की, जिसको पार्किंग ब्रेक बोलते हैं, उसकी वायर है। ये वायरिंग यहाँ पे आई हुई है। इसको आप कभी भी चेक करते हैं तो इसमें हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो हमारी ये वायर इसमें दिख रही है, इसमें हमेशा प्ले होना चाहिए, मतलब ये मूव करना चाहिए। अगर मूव नहीं कर रहा है, ये देखिए इसमें हमारा ये मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, इट मीन्स क्या है कि हमारी पार्किंग ब्रेक की वायरिंग सही है। अगर मूव नहीं कर रहा, इट मीन्स आपकी पार्किंग ब्रेक स्टक हो जाएगी, जाम हो जाएगी। सेकेंड चीज़ आपको दिखा रहा हूँ, ये जो पार्ट्स लगा हुआ आपको दिख रहा होगा अभी इसमें धूल मिट्टी, इसको हम व्हील सिलेंडर बोलते हैं। व्हील सिलेंडर जस्ट वर्क लाइक अ पिस्टन, ये पिस्टन की तरह काम करती है। इसमें आपको दिख रहा होगा ये दो लाइन है, ये ब्रेक ऑयल की लाइन है, ये आपको दिख रहा होगा ये मेन लाइन है, इससे ब्रेक ऑयल आती है और यहाँ से ये हमारे व्हील सिलेंडर में जाती है। जब हम ब्रेक प्रेस करते हैं तो ऑयल इस पाइप के थ्रू आती है और हमारे ये जो व्हील सिलेंडर लगे हुए हैं, जब हम ब्रेक प्रेस करते हैं तो इसकी जो इसमें पिस्टन सिलेंडर लगी हुई है, इसको ये आउटवर्ड मूव करती है। आउटवर्ड मूव करने के कारण हमारी शू जो ड्रम लगा हुआ रहता है इसके शू के जस्ट बाद, उसमें हमारी शू चिपक जाती है और हमारी ब्रेक अप्लाई होती है। और जो इसमें ये सेकेंड लाइन दिख रहा होगा, ये सेकेंड लाइन जस्ट इसके पैरेलल जो व्हील लगी हुई है, ये आपको दिख रहा होगा ये लाइन गई हुई है, ये जो जस्ट पैरेलल जो इस साइड वाली आई हुई है, तो इसके व्हील सिलेंडर में इस साइड देखिए, इस साइड हमारा सारा फिटमेंट किया हुआ है। ये हमारी शू है, ये हमारी व्हील सिलेंडर है। अब हम उस साइड आपको बताते हैं कि कैसे इस शू को इंस्टॉल किया जाता है। ये आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, ये हमारे ब्रेक शू की लाइन है, जो एबेस्टोज मटेरियल होती है ब्रेक शू की, ये है हमारी। ये देखिए प्रॉपर स्प्रिंग अरेंजमेंट के थ्रू इसका मैकेनिज्म है, इसको कैसे फिट किया जाता है वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। यहाँ ब्रेक शू लगता है, यहीं पे ब्रेक शू लगता है। हाँ, ब्रेक शू फेंकने की जगह तीन जगह है, एक दो तीन। अच्छा। तीनों जगह पर हम ग्रीस लगा दिए, जैसे कि ब्रेक जैसे मूव करता है, मूव करने के बाद हमको ग्रीस लगा देने से आवाज़ नहीं करेगा। अच्छा, इस पर अच्छा ग्रीस लगा देने पे यहाँ पे हमारी ब्रेक शू स्लाइड होती है, तो इससे ग्रीस लगा देने से हमारी स्मूथ रहेगी, है ना। हाँ, अच्छा ठीक है, इसको सेट कर रहे हैं ना। तो ये तो हमारी पार्किंग ब्रेक वाली वायर है। हाँ। इसको क्या करते हैं सबसे पहले, ये देखिए हैंड ब्रेक, ये ब्रेक शू हो गया। हाँ हाँ, और हैंड ब्रेक का पत्ती है, हैंड ब्रेक का पत्ती ये रहा है ना। हाँ। यहीं पे हमारी वायर, ये वायर जो है आके लगती है ना, इसमें जो लगता है वायर। हम्म, उसके बाद हैंड ब्रेक असेंबली जब फिटिंग हो जाता है यहाँ। हाँ हाँ, उसके बाद ब्रेक मारने पर ये व्हील सिलेंडर काम करता है। हम्म, और जब हैंड ब्रेक खींचते हैं तो पत्ती जब खींचता है तो ब्रेक लगता है। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहते हैं, जैसे इसमें क्या क्या पार्ट्स लगा हुआ, किसको क्या क्या बोलते हैं। ये तो हमारा लाइनिंग हो गया, ब्रेक शू का लाइनिंग हो गया, ये क्या हो गया, एडजस्टर हो गया, एडजस्टर हो गया। हाँ, ब्रेक का एडजस्टर, ऑटोमेटिक एडजस्टर है ये। हाँ, कैसे ऑटोमेटिक एडजस्टर है, मतलब ऑटोमेटिक, जैसे कि ब्रेक शू अभी लगा दिए हैं, ब्रेक शू जितना घिसते जाएगा और ड्रम का अंदर का जगह जो है खाली मिलेगा इसको, उतना ही ये ब्रेक शू अपने आप, ये मतलब कि इसका गैप बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, एडजस्ट करते जाएगा ऑटोमेटिक। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसे ऐसे आते जाता है, जैसे कि आते जाता है। देख रहे हैं बाहर आ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसी से ये ऑटोमेटिक अपना है ना, जैसे जैसे ये वियर आउट होता जाएगा उतना हमारा ये एक्सटेंड होता जाएगा अपना जगह। ओके ठीक है,
ये तो आपका एडजस्टर हो गया, ठीक है। ये कौन सा, ये भी एडजस्टिंग स्प्रिंग है, हो गया ब्रेक शू का, ब्रेक शू का स्प्रिंग हो गया। नीचे वाला ये स्प्रिंग है, नीचे वाला। अच्छा, ये सब रिटेनर होगा ना। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहते हैं, जब हम ब्रेक दबाते हैं हमारा व्हील सिलेंडर का पिस्टन बाहर की ओर मूव करता है, बाहर, जिससे ये दोनों फैल के ड्रम में चिपक जाता है और जिससे हमारी ब्रेक लगती है, ठीक है। फिर हम जैसे ही पैडल छोड़ते हैं तो एक रिटेनर स्प्रिंग होगा ना, जो स्प्रिंग इसको फिर अपने उस पोजीशन में, इसका ये सब इसका ही कमाल है, ओ, सब के कमाल है, ऑटोमेटिक अपना। अच्छा, ये जैसे ओके, अभी अब अभी ये बाहर की ओर निकल रहा है ना। हाँ। फिर इसको जैसे कि हम इसको ब्रेक मारें, ब्रेक मारेंगे तो फैल जाएगा। अच्छा, ऑटोमेटिक अपने अंदर चला जाएगा। अच्छा, वो जैसे ही पैडल करेंगे तो ये फिर अपने आप पोजीशन में आ जाएगी, है ना। ठीक है, अब आगे आप फिट कीजिए इसको। देखिए, अब फिट किया जा रहा, सबसे पहले आप पार्किंग ब्रेक का जो केबल है इसको आप इसमें, ओके, इसमें आपने फंसा दिया है ना। इस साइड से क्या टाइट कर रहे हैं हम? अच्छा, ये लॉक है ना। अच्छा, यहाँ से एडजस्टिंग करते हो आप, है ना। ये एडजस्टिंग है ब्रेक का। अच्छा, ये एडजस्ट करके क्या करते हो आप इसको, कहाँ तक लाते हो? यहाँ तक एडजस्ट करके हम नहीं लगाएंगे तो नया शू लगाने के बाद जब हम ड्रम लगाएंगे तो व्हील जाम हो जाएगा इसका। अच्छा, क्योंकि नया शू लगा रहे हैं। हाँ, तो ये जैसे जैसे घिसता जाएगा वैसे वैसे एडजस्टमेंट इसका बाहर आता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा ये लगाने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। ये अब हमारा प्रॉपर एडजस्ट हो गया है ना। ये अब हमारा फाइनल एडजस्टमेंट हो चुका है। ये ग्रीस आप देख रहे होंगे, ग्रीस इसीलिए लगाया गया कि इस पे ये स्लाइड करे तो किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो, इजीली स्लाइड करे, है ना। ठीक है, ये हमारा फिटमेंट हो गया है। ये आपको दिख रहा होगा, ये इसकी है ड्रम जो ऊपर से लगी हुई रहती है। ये ड्रम का इनर सरफेस है, यहीं पर हमारी ब्रेक की आती है।